पैमरा के गैर कानूनी हुक्मनामे के खिलाफ पूरी सहाफती बरादरी 24 न्यूज के साथ खड़ी हो गई। सीनियर तजियाकार हामिद मीर का कहना है, पैमरा के फैसले से पाकिस्तान और हुकूमत की पूरी दुनिया में बदनामी होगी। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना आजीम, सदर PUJ शहजाद भट्ट और सदर कराची प्रेस क्लब इम्तियाज फारान ने भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सूरतेहाल में हुकूमत को चाहिए था कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए कि जिससे कोई चैनल जो है वो बंद हो और उसमें सैकड़ों वर्कर जो हैं उनको बेरोजगार किया जाए। तो ये जो फैसला है, ये फैसला जो है ये बहुत ही अफसोसनाक फैसला है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें भी पाकिस्तान एक साल में 3 पॉइंट नीचे चला गया है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन जमहूरियत के नाम पर इस वक्त पाकिस्तान में जिस किस्म की हुकूमत चलाई जा रही है, तो उसने इंसानी हकूक और आजादी सहाफत का गला बिल्कुल घोंट के रख दिया है। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना आजीम ने पैमरा के फैसले को आजादी सहाफत पर हमला करार दे दिया। उन्होंने कहा कि पैमरा ने फैसला वापस न लिया तो पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे, बनी गाला भी जाएंगे। हुकूमत को यह गैर कानूनी फैसला हर सूरत वापस लेना होगा। बदतरीन सहाफत का जो दुश्मनी और सहाफत का सब ज्यादती है वो मौजूदा दौर हुकूमत में ही है। अमरीत में भी शायद ऐसा नहीं हुआ, हमने मुशरफ दौर में भी बड़ी आजादी सहाफत की जंग लड़ी, लेकिन उस वक्त भी इस तरह नहीं होता था, पसंद नापसंद नहीं थी। लेकिन अब तो बिल्कुल इस तरह हो गया है कि जो उनको अच्छा नहीं लगता उस चैनल को जिस वक्त चाहते हैं अपनी मर्जी के कानून बनाकर उसे बंद कर देते हैं। आजादी 24 पे हमला नहीं, आजादी सहाफत पर हमला है। जहन में रखें, हम इसे किसी सूरत अब कबूल नहीं करेंगे, किसी भी सूरत। साबिक सदर PFUJ अफसल भट्ट ने भी पैमरा के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दे दिया। मेरा तो ख्याल यह है कि इस गवर्नमेंट की मत मारी गई है कि हुकूमत का बाबा आदमी निराला है। उम्मत को चाहिए कि होश के नाखून ले, चैनल 24 की पॉलिसी पसंद नहीं है, इसे बहाना बनाकर चैनल को बंद कर दे और फिर चैनल की बंदिश की आड़ में हजारों लोगों का रोजगार जाया हो जाए और हजारों जर्नलिस्टों के चूल्हे बुझ जाए। हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि हुकूमत फौरी तौर पर पैमरा को हदायात जारी करे कि ये फौरी तौर पर हुक्म वापस लिया जाए और चैनल 24 की नशरियात बहाल की जाए। सदर PUJ शहजाद हुसैन भट्ट ने कहा कि 24 न्यूज पर पैमरा का वार किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत होश के नाखून ले, मीडिया को दबाने से कारकर्दगी बेहतर नहीं होती। पैमरा के दाम पर सिर्फ एक ही बात की जा सकती है कि अफसोस अफसोस सद अफसोस। जब से ये हुकूमत इमरान खान साहब की इस मुल्क पर काबिज हुई है उसके बाद से अब तक मीडिया इंडस्ट्री बदस्तूर नीचे जाती जा रही है। बदकिस्मती यह है कि 24 चैनल और सिटी 42 जो आपका चैनल है, ये हक सच की आवाज जो है वो बुलंद कर रहा है। आपको रिलीफ मिल जाएगा, अभी तक मुल्क की अदालतें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस है पोजीशन में कि वो हक सच की आवाज को सामने लाएंगी। सदर कराची प्रेस क्लब इम्तियाज फारान ने भी हुकूमत को कड़ी तंकीद का निशाना बनाया और कहा कि पैमरा का फैसला किसी सूरत कबूल नहीं, किसी भी दुनिया में आगाही देना जुर्म नहीं। हुकूमती बदनीयती के बायस 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल किया गया। आगाही देना जुर्म किसी भी दुनिया में नहीं है। अगर कोई कानूनी इसमें लवाजमात है वो पूरे करवाए जा सकते हैं। अब इस तरह आप अचानक सारी चीजें सडनली करते हैं तो उससे लगता ये है कि नीयत कुछ और है। तो हमारी गुजारिश ये होगी बदनीयती के बजाय नेकनीयती से काम किया जाए और फिर जब इस गलती आऊंगी तो फिर दूसरी साइड पे बात जाएगी। तो हमारी गुजारिश होगी इस मामले को और मजीद खराबी तक जाने से पहले उसको आप सही कर लें, करेक्ट कर लें, क्योंकि कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहा। दूसरी जानिब सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना था कि पैमरा के एक तरफा इकदाम को कबूल नहीं करते, चैनल का लाइसेंस मनसूख करना आजादी इजहार राय पर बड़ा हमला है, वर्कर्स के तहफ्फुज़ के लिए हर सतह पर एहतजाज करेंगे।